वक्त की जरूरत है कि हम माइनॉरिटी सिंड्रोम से मुसलमान लोग बाहर निकले। हम अकलियत जब कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं, तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हमारे अंदर पैदा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कहा जाए, हमको इस बात से भी पर भी गुरेज है कि क्यों कहा जाए। अरे भाई, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं, और इस मानसिकता के साथ हमको आगे बढ़ करके लड़ाई को लड़नी है और लड़ाई को नया आयाम देना है। चिंता व्यक्त की है हमारे छात्र नेताओं ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, सभी धर्मों के शायद मानने वाले, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो वह तो करेंगे ही, वो नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो उसके बरक्स हमको एससी एसटी ओबीसी, वो भी हमारी धार्मिक पहचान है, ठीक है, हम शेरवानी पहनते हैं, हम टोपी पहनते हैं, हम दाढ़ी रखते हैं, हम जानते हैं कि बसों से खींच करके, ट्रेनों से खींच करके, सड़क और बाजारों में धार्मिक पहचान को लेकर के मारा जा रहा है, लेकिन हमको अकेले अगर हम ये कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि कुछ लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं और कुछ लोग मुसलमानों के भी ठेकेदार बन जाते हैं। कोई हिंदू धर्म सम्मेलन करता है बचाने के लिए, तो कोई दीन बचाने का भी सम्मेलन करता है। अरे भाई, दीन बचाने के सम्मेलन की जरूरत नहीं है, दस्तूर बचाने के सम्मेलन की जरूरत है। दीन पर कोई खतरा नहीं है, न हिंदू धर्म पर खतरा है, न मुसलमान पर खतरा है, न ईसाई पर, न किसी धर्म पर नहीं खतरा है। खतरा है भारत के संविधान पर, खतरा है इस मुल्क के जमहूरियत पर। इसको बचाने के लिए खतरा है इस देश की साझी विरासत पर। ये संविधान, ये आरक्षण, ये रोस्टर, ये कुछ नहीं बचेगा। आप निकलिए, इसका मूल इलाज है, मूल इलाज है, आप निकलिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। निकलिए एक साथ, इसी के साथ निकलिए एक साथ। ये तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चे, थोड़े दिन जेपी ने भी कहा था कि थोड़ा दिन चलो, हम लोग भी कहते थे पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ, तो पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ चले। और इन यूनिवर्सिटीज के, डीयू के, जामिया के, अलीगढ़ के, जेएनयू के, और जेएनयू के लड़कों ने तो दिखा दिया है किस किस तरह से तोप भी खड़ा किया जा रहा है, लेकिन किस तरह से लड़ रहे हैं, वहां के शिक्षक भी लड़ रहे हैं।